दोस्तों, अगर आप भी एक स्मार्टफोन यूज करते हो तो आपने अक्सर एक चीज नोटिस किया होगा कि हमारे फोन में एक बटन होता है जिसका नाम होता है एरोप्लेन मोड, या फिर ये किसी किसी फोन में फ्लाइट मोड से भी होता है, जिसे अगर आप अपने फोन में इसे ऑन कर दोगे तो आपके फोन का नेटवर्क चला जाएगा, आपके फोन में इंटरनेट नहीं चलेगा और आपके फोन पर किसी का कॉल भी नहीं आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये फ्लाइट मोड जो बटन है, इसके अंदर एक ऐसा खुफिया सेटिंग है जिससे कि आप अपने किसी भी फोन के अंदर 5G इंटरनेट को यूज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपका कोई भी फोन हो, किसी भी कंपनी का फोन हो, आप सभी फोन के अंदर 5G इंटरनेट को यूज कर सकते हो। और जो आपकी फोन का इंटरनेट है ना, वो बिल्कुल रॉकेट से भी तेज चलेगा, बिल्कुल फास्ट इंटरनेट चलेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको अपने फोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए मैं टाइम से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि एरोप्लेन मोड बटन के कौन से वो सेटिंग्स हैं जिससे कि आप अपने किसी भी फोन के अंदर 5G इंटरनेट को यूज कर सकते हो, ताकि जो आपके फोन का इंटरनेट है वो बिल्कुल फास्ट काम करे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है कनेक्शन एंड शेयरिंग। यहां पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है रिसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। डायरेक्टली आपको इसके अंदर आना है और यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, वाईफाई, मोबाइल डेटा और ब्लूटूथ का। और ये तीनों है ना, हम अपने फोन में लगातार यूज करते रहते हैं लेकिन कभी भी हम इसे अपने फोन के अंदर रिसेट नहीं करते हैं। और आप अपने फोन को लंबे समय से यूज करोगे तो आपके फोन का इंटरनेट स्लो काम करेगा, ब्लूटूथ सही से काम नहीं करेगा, आपके फोन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर ये तीनों को रिसेट करना होगा, ताकि जो आपके फोन का इंटरनेट स्लो प्रॉब्लम है वो आपका हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। तो कैसे रिसेट करोगे, थोड़ा ध्यान से देखना। तो नीचे में एक आपको सेटिंग मिलेगा रिसेट सेटिंग के नाम से, यहां पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहां पर आपको अपने फोन का पैटर्न डालना है, जो आपके फोन का मेन पैटर्न होता है ना, जिससे कि आप अपने फोन को अनलॉक करते हो, वही पैटर्न यहां पर आपको डालना है, ठीक है। तो डायरेक्टली उस पैटर्न को यहां से डाल देते हैं और उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको वन टू रिसेट के नाम से, और नीचे में आपको ओके का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको यहां से ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद जो आपके फोन का नेटवर्क है एक बार रिसेट हो जाएगा, और उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, जिससे कि आपके फोन का इंटरनेट बहुत स्लो काम कर रहा था, वो यहां पर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस सेटिंग्स को अपने फोन के अंदर करना है। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोन के अंदर फ्लाइट मोड को ऑन करके अपने फोन में 5G इंटरनेट को यूज करोगे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर डेटा को ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करने के बाद यहां पर हमारे फोन के अंदर एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम होता है फोन, जिसमें कि हम कोई भी नंबर डायल करते हैं और कॉल करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको अपने फोन के अंदर इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर मैं आपको एक कोड बताऊंगा और उसी कोड को आपको अपने फोन के अंदर डायल करना है। तो कोड कौन सा है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहां पर आपको डायल करना है *#*#4636#*#*#, ठीक है। और जैसे ही इस कोड को आप अपने फोन में डायल करोगे तो आपके फोन में एक नया हिडन सेटिंग्स आ जाएगा टेस्टिंग के नाम से, और यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। तो यहां पर आपको करना क्या है, सबसे ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा आपको फोन इन्फॉर्मेशन 1 के नाम से, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। और टैप करने के बाद यहां पर आपको करना क्या है, ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहां पर डायरेक्टली आपको अपने फोन के नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना है और यहां पर आपको अपने फोन को एरोप्लेन मोड में कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे फोन का नेटवर्क यहां पर गायब हो चुका है, ना ही मेरे पास किसी का कॉल आएगा, ना कॉल जाएगा और ना ही मेरे फोन में इंटरनेट चलेगा। लेकिन अब कैसे आप अपने फोन में 5G को इनेबल करोगे, थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल रेडियो पावर के नाम से, यहां पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको अपने फोन के अंदर इसे ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन करने के बाद आपके जो फोन का इंटरनेट है वो स्टार्ट हो जाएगा।
अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, डायरेक्टली मैं अपने फोन के अंदर YouTube ओपन किया तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे फोन में यहां पर YouTube चलने लगा, यहां पर आप देख सकते हो, और बिल्कुल फास्ट काम करेगा। यहां पर आप देख सकते हो जरा सा भी यहां पर बफरिंग नहीं करेगा। और यहां पर आप देख लो मेरे फोन में मोबाइल डाटा ऑफ है, ब्लूटूथ ऑफ है, वाईफाई सब बंद है, सिर्फ यहां पर एरोप्लेन मोड जो है वो ऑन है, लेकिन जो मेरे फोन का इंटरनेट है वो चल रहा है। यहां पर मैं आपको शॉर्ट्स भी दिखाता हूं, यहां पर आप देख सकते हो डायरेक्टली मैं अपने फोन में शॉर्ट्स भी ओपन करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर चल रहा है, बिल्कुल HD में। तो इसी तरीके से आप अपने किसी भी फोन के अंदर एरोप्लेन मोड को ऑन कर अपने फोन में 5G को इनेबल कर सकते हो और जो आपके फोन का इंटरनेट है वो बिल्कुल फास्ट काम करेगा। यहां पर आप देख सकते हो जितना भी यहां पर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा थोड़ा सा भी यहां पर बफरिंग नहीं होगा। और यहां पर आप लाइव प्रूफ देख लो, मोबाइल डाटा बंद है, वाईफाई बंद है, सारा चीज मेरे फोन में बंद है, सिर्फ यहां पर मेरे फोन में एरोप्लेन मोड ऑन है लेकिन मेरे फोन का जो इंटरनेट है वो चल रहा है, यहां पर आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से आप अपने फोन में यूज कर सकते हो। और इसके बाद जो आपके फोन का इंटरनेट है ना वो बिल्कुल फास्ट काम करेगा, 5G से भी तेज आपके फोन में इंटरनेट चलेगा, क्योंकि जितने भी बैकग्राउंड में हमारे फोन में प्रोसेसिंग होते थे इंटरनेट को लेकर वो सारा यहां पर बंद हो चुका है, सिर्फ हमारे फोन में इंटरनेट चल रहा है और हमारे फोन का इंटरनेट बिल्कुल फास्ट हो गया है। तो यही सेटिंग्स आपको अपने फोन के अंदर करना है। तो ये सेटिंग्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताना। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो, वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।